हाय फ्रेंड्स, अगर आप भी फैब्रिकेशन का काम करते हो या मैकेनिकल का काम करते हो और आपको भी एंगल डिग्री निकालना पड़ता है या पीसीडी पे डिवाइडेशन करके होल मारने पड़ते हैं, तो ये सारे कैलकुलेशन आप एक ही ऐप में कर सकते हो और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे एकदम आसानी से मिल जाएगा। और इसे आपको कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने वीडियो में पूरा बता रखा है। इसे समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देख लेना और इस ऐप को आप यूज़ करना सीख जाओगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में ट्रायंगल कैलकुलेटर टाइप करके उसको सर्च कर लेना है। तो जैसे ही सर्च हो जाएगा तो दोस्तों इस वाले ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं उसको ओपन करता हूँ। ऐप को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और सबसे ऊपर हमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। उसमें से ट्रायंगल में आप डिग्री और एंगल निकाल सकते हो और डाया में सर्कम सर्कल निकाल सकते हो। एआरसी में एक कोन का कटिंग कर सकते हो और पीसीडी में आपको जो होल मारना है उसको डिवाइड कर सकते हो। चलो तो मैं एक रैंडम डिग्री आपको निकाल के दिखाता हूँ। और डिग्री निकालने के लिए हमें दो लेंथ पता होनी चाहिए, उनको ए और बी में फिल कर देना है और कैलकुलेट पे क्लिक कर लेना है। सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। इस डेटा में मैंने ए में 66 टाइप किया था और बी में 9 टाइप किया था, तो इसने सी की लेंथ निकाल के दी है और ए बी सी कॉलम का डिग्री निकाल दी है। इसी तरह आपको भी जो चाहिए उसकी आप डिग्री एंगल निकाल सकते हो। ऊपर भी आपको ड्राइंग दिखाई दे रहे हैं, उसमें हर एक प्रकार के आप एंगल और डिग्री निकाल सकते हो। बस उसको सिलेक्ट कर लेना है और आपको उसमें डेटा है, जो भी आपके पास डेटा है उसको फिल कर देना है। ये पूरा कैलकुलेट कर देगा। चलो और एक ड्राइंग पे डिग्री निकाल के दिखाता हूँ मैं। इस वाले ड्राइंग में D1 और D2 दिया गया है। D1 यानी बड़ा डायमीटर और D2 यानी छोटा डायमीटर, और लेंथ भी दिया गया है। तो आपको ये तीनों इसमें फिल कर देना है और कैलकुलेट पे क्लिक कर लेना है। ये पूरा डेटा शो करेगा। इस डेटा में ए और बी का एंगल दिखाया है और सी में टेपर दिखाया गया है। इस ऐप की सबसे मेन बात है कि ये परफेक्ट कैलकुलेट कर लेता है। बस आपको आपके पास का डेटा प्रॉपर तरीके से इसमें फिल कर देना है। चलो आप ऊपर दिए गए ऑप्शन में क्या क्या कर सकते हो एक बार देख लेते हैं। जैसे पिछले दो ऑप्शन थे वैसे ही ये वाला ऑप्शन है, इसमें भी आप डिग्री और एंगल निकाल सकते हो। ये वाला ऑप्शन मोस्टली कोन कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें सिर्फ रेडियस और एंगल आपको भर देना है, ये बाकी कैलकुलेट कर देगा। मैं यहाँ पे रेडियस 40 का और एंगल 45 का टाइप कर देता हूँ, फिर आंसर देखेंगे क्या आता है। जो मेन मेन आंसर है वो तो उसने निकाल दिए, जैसे कि चोर डायमीटर हुआ, हाइट हुई, एआरसी लेंथ हुई। और इस तरह के शीट कटिंग के लिए इतने डाटा काफ़ी है अपने को। अब आगे का ऑप्शन देखते हैं। ये पीसीडी कैलकुलेटर है और इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई भी दो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मुझे पीसीडी 100 पता है और 6 होल मारना है इतना पता है। और ये दो वैल्यू टाइप करते ही उसने चोर डायमीटर और एंगल निकाल दिया है। और अगर आपको सिर्फ चोर लेंथ और होल कितने मारने वो पता है तो आप ये दो वैल्यू इसमें फिल कर दो, ये आपको पीसीडी और एंगल की वैल्यू निकाल के देगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। आप एक बार इस ऐप को ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको यूज़फुल लगा तो अपने मोबाइल में रख लेना, नहीं तो अनइंस्टॉल कर देना। और सबसे मेन बात, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।